ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। भागवत का स्कंद सातवां चौथा अध्याय, हरणकश्यप को ब्रह्मा जी का वर देना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी बड़ी सोच में पड़ गए कि वरदान देऊं या ना देऊं तो जगत दुखी होगा और देऊं तो यह दुखी करेगा, तो अच्छा नारायण जी कोई बंदोबस्त करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जा तू अब साता दीपों का राजा हुआ। माता को जाकर कहा, ले वो अब सब देवताओं को मारकर राजा राज करूंगा। सातों दीप को जीत कर राज करने लगा। देवता ब्रह्मा जी पास गए, कहा कि हमारा सर्वंश छीन कर हमारे को नष्ट करना चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हारा बुरा हाल होगा, सो जाकर लुक छिप के तप करो। जब तुम्हारे भाग अच्छे होंगे तब तुम्हारा राज होगा। तब वो समुद्र किनारे जाकर तप करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि इसने घर प्रहलाद भगत होवेगा और उसको ये दुखाएगा, तब मैं इसे मारूंगा, तुम धीरज करो। ऐसे कहकर आकाशवाणी लोप हुई। तब देवताओं की चिंता दूर हुई। तब हरणकश्यप सातों दीपों का राज करन लगा। रात दिन उसके डर से घी और दुधी नदी बहने लगी। सो मदपान करके भोग विलास करता रहा। तो उसने चार पुत्र हुए, तीन दैत और चौथा प्रहलाद भगत हुआ। देवतों का स्वभाव रख करके बड़े अच्छे स्वभाव वाला हुआ। हरि भजन में हर वक्त रहता था, किसी जीव को दुख नहीं देता था। सत्यवादी छोटे को पुत्र समान, बड़े को ईश्वर समान रखता था। इसलिए महात्मा उसकी बड़ाई करते कहते हैं, कहते थे, हरणकश्यप का विरोध होया। युधिष्ठिर ने कहा, पुत्र कपूत हो जाते हैं पर माता पिता हित रखते हैं, एक उल्टे होने का क्या कारण हुआ सो कहिए। चौथा अध्याय समाप्तम। इति जय गुरुदेव धन गुरुदेव।